और अब बात करते हैं फीफा के फीवर की। तो विश्व कप के 80 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ वो रूस में हो गया। 4 बार के विश्व विजेता और 4 बार के उप विजेता और पिछले साल की विजेता जर्मनी विश्व कप से पहले ही दौर में बाहर हो गई है। कोरिया के हाथों मिली 0-2 से अपमानजनक हार के बाद जर्मनी के विश्व कप में बने रहने की उम्मीदें खाक हो गई और कोच जोएकिम लो की टीम पर दबाव सही मायनों में बुरी तरह से हावी हो गया। वरना जो गोल उनके फुटबॉलर आंख बंद करने की कुव्वत रखते थे वो खुली आंखों से भी नहीं कर पाए। हिटलर की जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यही पराजय मिली थी और एक बार फिर से जर्मनी यहां विश्व विजेता बनकर आया था, लेकिन उसे पहले ही दौर में बाहर होना पड़ा। जर्मनी ने स्वीडन को भले ही दूसरे मैच में 2-1 से परास्त कर दिया हो, लेकिन दूसरे दौर में पहुंचने को लेकर ग्रुप में बनी स्थितियों ने गत विजेता को दबाव और उलझनों में डाले रखा। उनका गेंद पर कब्जा 69% रहा और गोल पर प्रयास 26 बार किया, लेकिन गोल नसीब नहीं हुआ। जब गोल के लिए जर्मनी इंजरी टाइम में ऑल आउट होकर चला गया, तब कोरिया ने एक के बाद एक 2 गोल कर दिए।